और आज हमारे तृतीय सत्र की द्वितीय वक्ता है डॉक्टर जोयता बोस मंडल जी। आप डायरेक्टर ऑफ कमलांजलि एंड को फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल संगीत संकल्प लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए से हैं। आपका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। पहला क्या, बॉर्न इन प्रयागराज, डॉक्टर जोयता बोस मंडल इज द डॉटर ऑफ द रेनॉन्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट विदुषी कमला बोस। लेटर शी केम अंडर द ट्यूटलेज ऑफ पंडित परमेश्वर हेगड़े, ए स्टॉरवार्ट ऑफ द ग्वालियर पटियाला घराना। शी वॉज अवॉर्डेड ए डॉक्टरेट ऑफ म्यूजिक बाय द इंडस्ट्री ऑफ अलाहाबाद ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग हर थीसिस ऑन वाग्गेयकार पंडित रामाश्रय झा रामरंग लाइफ एंड हिज कंपोजिशंस। जोयता इज द आर्टिस्टिक डायरेक्टर ऑफ कमलांजलि कैलिफोर्निया एंड द को-फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल संगीत संकल्प लॉस एंजल्स। नाउ आई वेलकम टू यू मैडम, योर टॉपिक इज ऑनलाइन म्यूजिक एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स। आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैडम, आप वक्तव्य अपना प्रारंभ करें। थैंक यू मधुमिता जी फॉर द इंट्रोडक्शन। वेलकम। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? बिल्कुल जी आ रही है। ओके। सर्वप्रथम इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। पूर्व कुलपति प्रोफेसर चित्रंजन ज्योतिषी जी, पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा जी, संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता पंडित एवं डॉक्टर रामशंकर जी को बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस परिसंवाद का आयोजन किया। मेरा विषय है संचार क्रांति का वर्तमान संगीत के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन संगीत शिक्षा। तो मैं कह रही थी कि यहाँ विदेश में कम्युनिकेशन सिस्टम और इंटरनेट की सुविधा घर घर में होने से ऑनलाइन शिक्षण मुमकिन हो पा रहा है। इनफैक्ट आई वुड से देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट अदर देन ऑनलाइन एजुकेशन। एज अ स्टूडेंट, टीचर एंड अ परफॉर्मर ऑफ म्यूजिक, मैं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखती हूँ। मेरे ख्याल से जो विद्यार्थी सालों से संगीत की शिक्षा ग्रहण करने म्यूजिक स्कूल्स में, म्यूजिक डिपार्टमेंट में या अपने गुरु के पास घर में सीखने के लिए जाते थे, और इस दौरान यातायात में जो समय व्यर्थ होता था उसमें थोड़ी बहुत उनको राहत मिली है, क्योंकि अब टीचर्स स्टूडेंट्स दोनों ही अपने सुविधानुसार घर से ही शिक्षा दे रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। आई थिंक इन अ वे दिस इज गुड, बिकॉज नाउ पेरेंट्स कैन ऑल्सो सी एंड लिसन टू वॉट एवर इज बींग प्रैक्टिस्ड एंड डिस्कस्ड इन ईच सेशन। तो मैं उन सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ जो इस ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली में लगातार अपने बच्चों का साथ दे रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस में जो मैंने व्यक्तिगत रूप में महसूस किया है, इंटरनेट की स्पीड, इससे ज़रूर फर्क पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ विदेश में रहते हमें इंटरनेट कनेक्शन की समस्या नहीं होती, बिल्कुल होती है, कभी कभार होती है, जैसे कॉल ड्रॉप होना या आवाज़ कट जाना, आवाज़ का ओवरलैप होना या लैग होना। कई बार ऐसा हुआ है कि आलापचारी का या राग की बढ़त करते समय इंटरनेट फ्रीज हो गया और दूसरी ओर से स्टूडेंट को कुछ आधा अधूरा सा ही सुनाई दिया। तो इस तरह की चैलेंजेस सामने आ रही हैं, पर इससे मायूस ना होकर थोड़ा धैर्य रखते हुए, थोड़ा पेशेंस के साथ हमें इस शिक्षा पद्धति के साथ आगे बढ़ना होगा, जब तक कि स्थितियाँ पहले जैसी सामान्य ना हो, नॉर्मल ना हो। मेरी ओर से और सभी शिक्षक वर्ग की ओर से पेरेंट्स को एक विनम्र निवेदन है कि इस मुश्किल दौर में जिन शिक्षकों की आय, जिनकी इनकम केवल संगीत शिक्षण पर ही निर्भर है, वे अपने बच्चों के ऑनलाइन संगीत शिक्षण को प्लीज़ ना रोकें। उन्हें संगीत की शिक्षा ऑनलाइन लेने दें
और समय समय पर उनकी टीचर्स की गुरु दक्षिणा भी देते रहे। अब यहाँ अमेरिका में टीवी और सोशल मीडिया में जो न्यूज़ हम देख रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उससे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन अभी कुछ और साल करना पड़ेगा। कितने साल ये बताना मुश्किल है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका में इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा लगभग हर घर में उपलब्ध है, और इसलिए कलाकार या शिक्षक ऑनलाइन सेशंस ले पा रहे हैं। इंडिया में भी जिस तरह ब्रॉडबैंड इंटरनेट का प्रचार हो रहा है, उससे यही लगता है कि कुछ ही समय में ऑनलाइन एजुकेशन हर जगह अपनाया जाने लगेगा, जैसे यहाँ हो रहा है। यहाँ कलाकार, इंटेलेक्चुअल्स, म्यूजिकोलॉजिस्ट्स सभी यह चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य में शायद ई लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन शिक्षण और ज्ञान के प्रसार का एक स्थायी माध्यम बन सकता है। आप सभी गुणीजनों को यहाँ से जुड़ी कुछ संगीत की गतिविधियों से मैं अवगत कराना चाहती हूँ। गत 6 वर्षों से अपनी माँ विदुषी कमला बोस की स्मृति में मैं शास्त्रीय संगीत का आयोजन कर रही हूँ, और प्रख्यात संगीत समीक्षक डॉक्टर मुकेश गर्ग जी के निरंतर सहयोग एवं प्रोत्साहन से यहाँ संगीत संकल्प की अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने में भी सफल हुई। माफ कीजिएगा, इसमें स्थानीय कलाकारों के अतिरिक्त विद्यार्थीगण भी शास्त्रीय संगीत में निरंतर भाग लेते हैं। पर आज की इस परिस्थिति में मेरे लिए और यहाँ के सदस्यों के लिए एक दायित्व और बढ़ जाता है कि अब उन सभी संगीत कलाकारों, संगीत रसिकों एवं विद्यार्थियों को एक साथ कैसे सम्मिलित किया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के फलस्वरूप अभी या शायद एकाध और साल स्टेज परफॉर्मेंसेस, इवन घर बैठक भी शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। बहरहाल, डिस्टेंस एजुकेशन या ई लर्निंग, वो चाहे किसी भी विषय में हो, पिछले कई दशकों से विकसित हो रहा है। नए प्रयोगों, उपकरण और टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ हम सभी उठा रहे हैं। कंप्यूटर या अपने फ़ोन के माध्यम से स्टूडेंट अपने गुरु की तालीम को रिकॉर्ड कर उसे कई बार सुनकर अभ्यास कर रहे हैं और अपने दोषों को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पंडित विद्याधर व्यास जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि दूरस्थ संगीत शिक्षा के प्रोडक्ट एकलव्य शिष्य, रेडियो शिष्य, रिकॉर्ड शिष्य आदि के रूप में सामने आने लगे हैं, और इनमें कईयों ने संगीत प्रतिभा में अच्छा नाम कमाया है। तो इसका अर्थ ये है कि ऑनलाइन म्यूजिक सेशंस कुछ हद तक ज़रूर संभव है। लगभग सभी के पास सेलफोन है, डाउनलोड करने के लिए विभिन्न ऐप बनाए गए हैं, और मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस शहर में मैं निवास करती हूँ, यहाँ संगीतज्ञों और संगीत रसिकों की एक लंबी सूची है, और प्रसाद उपासनी नामक एक बहुत ही अच्छे कलाकार व इंजीनियर हैं, जिन्होंने आई तबला प्रो नामक एक ऐप को डिज़ाइन किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा तबले का ऐप है, और इसका सदुपयोग केवल विदेश में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी संगीतज्ञ और विद्यार्थीगण खूब कर रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इन गैजेट्स या टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी शिक्षक या विद्यार्थी जब चाहे रियाज कर सकता है। आज के इन परिस्थितियों को देखते हुए हमें हर प्रचलित टेक्नोलॉजी को अपने विकास, अपने डेवलपमेंट के लिए उसे अपनाने में बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करना चाहिए। आई फील दैट टू ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन टूडेज सिनेरियो, वी मस्ट क्रिएट एन अवेयरनेस इन द ऑडियंस एंड अमंग द स्टूडेंट्स थ्रू दीज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, वेदर इट इज़ अ सिंपल रिकॉर्डिंग फ्रॉम व्हाट्सएप, यूट्यूब और स्काइप।
students are intelligently developing their artistic potentialities. हाँ, teachers की ओर से एक दायित्व बढ़ गया है कि अब उन्हें हर एक student के लिए उनके गले की सीमाओं को देखते हुए अलग से time to time recording भेजना पड़ रहा है. मैं अगर अपनी उदाहरण दूँ तो आज भी गुरुजी पंडित परमेश्वर हेगड़े जी समय समय पर WhatsApp recording ग्रुप में और फेसबुक में अपना गायन रिकॉर्ड करके हम सभी के साथ शेयर करते हैं. ये लगभग रोज़ होता है. एक और बात कहना चाहूँगी मैं आप सब से. अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास कुछ होम स्कूल वेबसाइट्स के लिंक आए और यहाँ घर में ये चर्चा हो रही है कि बच्चों को होम स्कूलिंग ही कराया जाए. विदेश में 1970s के लगभग होम स्कूलिंग का दौर शुरू हो गया था और आज डिजिटल और पर्सनलाइज्ड होम स्टडी प्रोग्राम के विभिन्न संस्थाएं खुल गई हैं. इसी तरह से संगीत के लिए भी यदि और वेबसाइट्स बनाया जाए जिसमें म्यूज़िक से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन, सिलेबस, रिकॉर्डिंग्स, कैसेट्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आदि हो तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत लाभदायक होगा. इन द ईयर्स टू फॉलो ऑनलाइन एजुकेशन जस्ट माइट नीड हायर इंटरनेट स्पीड कनेक्शंस टू फिल दिस गैप ऑफ डिस्टेंस लर्निंग. तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप सबका. सभी गुणीजनों से आज आज्ञा लेते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ और कहना चाहूँगी कि कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन अपने साथ एक बड़ा अवसर भी लाता है. समटाइम्स द ग्रेटेस्ट चेंज बिगिंस एंड ब्रिंग्स अबाउट एन इवन ग्रेटर अपॉर्चुनिटी. सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. आपने इतने सुंदर तरीके से इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और दूरस्थ शिक्षा जो कि आज की आवश्यकता बन गई है क्योंकि कोरोना काल के कारण आज हम एक साथ गैदरिंग में प्रोग्राम नहीं कर सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते. तो ये डिस्टेंस एजुकेशन हमारे लिए एक आवश्यक हो गया है. बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है आपने हमें दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे बीच उपस्थित हुई. Many thanks, madam. Thank you so much. Welcome, madam.